दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे लखनऊ, अखिलेश यादव से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। योगी के मंत्री बोले, अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी पूजा। रेप पीड़िता के पिता की आत्महत्या का बड़ा एक्शन, दो पुलिस अधिकारी सस्पेंड। ऑनलाइन गेम की आड़ में ऐसे होता था बच्चों का ब्रेन वॉश, धर्म परिवर्तन पर मौलवी का कबूलनामा। राहुल गांधी की मानसिक संतुलन ठीक नहीं, उन्हें आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने पिता को मौत के घाट उतारा, भाई और दादा ने रोका तो उन पर भी टूट पड़ी। नाव पलटने से एक दर्जन से अधिक लोग डूबे, गोताखोर की मदद से बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, शिकायतकर्ता की संतुष्टि और फीडबैक की अफसरों के प्रदर्शन का मानक। पूजा कराने के बहाने कमरे में ले जाकर महिला से छेड़खानी, मां विंध्यवासिनी मंदिर में पंडा पर एफआईआर दर्ज। रेहान से तलाक लेकर धर्म बदला, फिर अजय से की शादी, 2 महीने बाद पंखे से लटकी मिली सना से बनी सोनम लड़की। परीक्षा फॉर्म भरने में दलित लड़की ने की गलती, सुधारने के नाम पर प्रिंसिपल ने किया रेप। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के वाजिमपुर गांव में ग्रामीणों ने अब किसी के निधन होने के बाद तेरवी न किए जाने का लिया बड़ा फैसला। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर नशीले पदार्थ की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है, महिला और पुरुष प्रतिबंधित, मानस की तस्करी। लखनऊ में अमरावती बिल्डर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, विपुल खंड महानगर और हंस नगर में भी छापेमारी। चंदौली में बारातियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में पलटी, 3 की मौत, 2 8 घायल। मुंबई और बेंगलुरु के यात्री आज से भरेंगे उड़ान, 16 से शुरू होगी कानपुर दिल्ली की फ्लाइट। कानपुर में बियर से लदा ट्रक पलटा, ड्राइवर को बचाने की जगह ग्रामीणों ने मचाई लूट, कई ने मौके पर बुझाई प्यास। यूपी में पावर ऑफ अटर्नी के लिए रजिस्ट्री, जैसा स्टैंप चार्ज 50 रुपए में नहीं होगा काम। ज्ञानवापी मामले में वादी राखी सिंह ने जारी किया पत्र, राष्ट्रपति से की इच्छा मौत की मांग। कानपुर में नवविवाहिता सुहागरात के 3 दिन बाद विवाहिता ने दिया बच्ची को जन्म।